प्रेमित्रो, पर्सनल बाइबल स्टडी हमारे आत्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस बाइबल को हम परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन है, उसमें हमें उसमें स्टडी करने की ज़रूरत है। व्यक्तिगत रूप से पर्सनल बाइबल स्टडी या व्यक्तिगत बाइबल स्टडी, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, भजन संहिता 119:105, भजन संहिता 119 और उसका 105 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो हमारे आत्मिक जीवन में और वैसे भी इस संसारिक जीवन में एक अगर इंस्ट्रक्शन बुक है जो हमें हर प्रकार से अगुवाई करता है, वो है परमेश्वर का वचन। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उसे पढ़ना है, समझना है कि ये वचन मेरे लिए क्या कहता है, इससे क्या मैं सीख सकती हूँ, और उस वचन के अनुसार हम अपने दैनिकचर्या को, दैनिक जीवन को आगे बढ़ा सके, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो। हर बात में परमेश्वर का वचन प्रथम स्थान हमारे जीवन में रखता है, क्योंकि ये उसका वचन है। उदाहरण के लिए, यदि आप हाई स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं और अगर आप अपने स्टडी बुक्स को स्टडी ना करें तो आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल होगा, है ना। उसी प्रकार से हमें इस जीवन की गाड़ी में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना, उसका स्टडी करना, उस पर मनन करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये हमारे मार्ग, हमारे पाँव के लिए क्या है, दीपक है, और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। दूसरा पत्रस उसका 3:18 इस प्रकार से लिखा हुआ, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। दूसरा पत्रस उसका 3:18 लिखा हुआ है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला है लिखा है, और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होते रहे। हमें अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्तिगत टच हम बाइबल स्टडी में कर सकें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी कि हम इसका स्टडी कर सकें। जब तक हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन में नहीं लेंगे तो हम अपने मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यही हमारा ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज और विजडम है। बुद्धिमत्ता हमें यहीं से मिलती है। अगर हम पढ़ें याकूब की पत्री 3:13-16, याकूब की पत्री उसका 3:13-15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा हुआ है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक है और शारीरिक है और शैतानी है, लेकिन जो ज्ञान ऊपर से आता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आता है। तो मेरे दोस्तों, हम इसको बड़े ध्यान से वचन को पढ़ें। ये जो बाइबल स्टडी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर्सनल बाइबल स्टडी, ये पहला एपिसोड है। इसका दूसरा एपिसोड मैं बाद में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो इस पहले एपिसोड में हम जनरल बातें देखेंगे कि क्यों ये बहुत ज़रूरी है हमारे मसीही जीवन के लिए, ताकि हम पूरा मन लगा करके, पूरा ध्यान लगा करके, पूरा तन मन धन लगा करके परमेश्वर का वचन स्टडी करें। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रकार का हैबिट बनाएं, एक प्रकार की आदत डालें, एक प्रकार का ट्रेनिंग डालें कि रोज़, हर रोज़ हम परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से उसका हम मनन
कर सकें। पहली बात हमें ये देखना है कि जब भी हम परमेश्वर का वचन स्टडी करें तो हम उस पर पवित्र आत्मा पर पूरी रीति से निर्भर हों, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का लेख है जो हमारे लिए दिया गया है। उदाहरण के लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय, यूहन्ना उसका 16:5 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16:5, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुमसे कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने ये बातें तुमसे कही इसलिए कि तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। और ये पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। फिर 13वें पद में क्या लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सो मेरे दोस्तों, जब भी हम परमेश्वर के वचन को स्टडी करना मांगते हैं, उसमें बढ़ना मांगते हैं, उस पर मनन करना मांगते हैं, तो पूरा हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा व्यक्तित्व प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के जो परमेश्वरत्व है उसको हम पूरी रीति से समर्पण करें कि प्रभु तू मुझे सिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा कि ये वचन जो मैं पढ़ रही हूँ ये इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। एंड सो उस पर हम पूरी रीति से निर्भर रहें। और एक और बात मैं आपके लिए बताना मांगता हूँ कि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ें तो मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन का मतलब है मनन करना। भजन संहिता और उसका 1:5 से क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ परिणाम, जब वो ध्यान करता है तो वो किस प्रकार का व्यक्ति, लिखा हुआ है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। सो मेरे दोस्तों, मनन करना बहुत ज़रूरी है। मनन करने का मतलब है उसके ऊपर विचारना, सोचना, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना। आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा जब आप अपने स्टडी करते हैं, अपने क्लास के नोटबुक्स, तो क्या करते हैं आप, एकदम तो रट नहीं लेते हैं लेकिन उस पर ध्यान करते हैं, है ना। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। जब हम बाइबल स्टडी की बात करते हैं, मनन के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो मानसिकता है, हमारा जो एटीट्यूड है वो किस प्रकार का होना चाहिए। हमें परमेश्वर का जो वचन है बाइबल, उसको और दूसरी किताबों से थोड़ा डिफरेंट सोचना है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये मनुष्य का वचन नहीं है, किसी साइंटिस्ट की थ्योरी नहीं है या किसी फिलोसोफर की अपनी बातें नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उदाहरण के रूप में मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 17:17 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है, सत्य है। सो आपकी और मेरी मानसिकता जब हम बाइबल स्टडी के लिए बैठते हैं तो मानसिकता इस प्रकार से होना चाहिए कि जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, वो एक सत्य वचन है, परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र वचन है, और इसी दृष्टिकोण से मुझे बाइबल को आगे पढ़ना है। एक और दो पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय,
दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय और उसका 16 से 17 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है? 15 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या बनाता है? बुद्धिमान बना सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने, पवित्र बने, परफेक्ट बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो एक किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर होकर के, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा प्रेरित होकर के लोगों ने लिखा है। तो ये मनुष्य के अपने वचन नहीं है। तो ये भी आपको मानसिकता में, अपने मन में सोचना, अपने एटीट्यूड में सोचना है कि सचमुच में जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, ये जीवित वचन है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 20 और 21 पद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन, पवित्र जन पर पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि ये जो वचन है ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया ये, और इसी को हम उस मानसिकता के द्वारा हमें इस पर ध्यान देना है। हर एक वचन जो बाइबल में पाया जाता है वो पूरी रीति से सत्य है, पूरी रीति से पवित्र है और पूरी रीति से हमारे जीवन के लिए एक लाभदायक परमेश्वर का वचन है, हमारे लिए एक दीपक है, हमारे लिए उजियाला है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 और 18 से 19 में आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 18 से 19 एक चेतावनी है। क्या चेतावनी है? सुनिए, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल दिया जाएगा। सो मेरे दोस्तों, कितना भयंकर रूप से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि ये बहुत सीरियस बात है। एक और जगह मैं इसी में पढ़ना मांगता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा पद, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय बहुत निकट है। सो मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन एक स्टैंडर्ड है, एक रूलर है। इसमें हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं, ये एक प्रकार का सटीक सत्य सही मापदंड है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक रूलर में 12 इंच होते हैं, करेक्ट? एक फुट रूलर में 12 इंच होते हैं, उसमें कभी भी 13 इंच नहीं होगा या 10 इंच नहीं होगा या 11 इंच नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड है और उसी स्टैंडर्ड के अनुसार हम सब चीज़ नापते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा जो एक फुट का जो रूलर है वो 13 इंच का है या 15 इंच का है, नहीं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, एक रूलर है और वो है 12 इंच का। उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपना एक स्टैंडर्ड आपके लिए और मेरे लिए दिया है कि हम उसको
उसी को, और कोई दूसरा स्टैंडर्ड जो लोग बोलते हैं कि भैया हमारा भी देख लो, हमारा भी देख लो, नहीं, एक ही स्टैंडर्ड है और वो है परमेश्वर का वचन। उसी के अनुसार हमें परमेश्वर के वचन को देखना है। जी हाँ, तभी हम परमेश्वर के वचन को वो प्राथमिकता दे सकते हैं, वो महत्वता दे सकते हैं, वो इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी मानसिकता के बात। अब आइए हम देखें क्या उद्देश्य है, क्या जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम क्या सीखते हैं, क्या हमारे दिमाग में ये बात आती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया उसका 55 अध्याय, यशाया और उसका 55 अध्याय, और देखें वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ये मैं आपके सामने पूरा पढ़ूंगा, और बहुत अच्छा ये भाग है, ये चैप्टर है। हे सब प्यासे लोगों, 55 अध्याय यशाया का, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर के ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद के घर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज राज के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है। क्या कहता है मेरे दोस्तों? यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारे गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन, दोस्तों सुन रहे हैं आप, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। सो मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत महत्व रखता है। ये उसका एक प्रेम पत्र है, और उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके उसके हृदय के बारे में, उसके माइंड के बारे में, उसकी जो अपनी अपेक्षाएं हैं आपके प्रति, मेरे प्रति, उस पर वो बताता है, ध्यान देता है। तो यही है परमेश्वर का वचन। और जब हम परमेश्वर के वचन को स्टडी करते हैं, ध्यान देते हैं इस मानसिकता से, इस उद्देश्य से, सो मेरे दोस्तों, हम परमेश्वर से बहुत आशीष पाते हैं। और हमें एक बात और, क्यों परमेश्वर का वचन स्टडी करना हमारे अपने मसीही ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये भी देखें कि फॉल्स टीचिंग क्या है, गलत शिक्षा क्या है, परमेश्वर के वचन के साथ उसका मिलान करें, और जहाँ कहीं भी कुछ गलत है तो हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर के बारे में जो समझते हैं,
मसीही जीवन के बारे में समझते हैं, फॉल्स टीचिंग के बारे में हम समझते हैं, और इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को वो प्राथमिकता हमें देना है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन हमें सत्य के द्वारा क्या कर, शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। एक जगह पे लिखा हुआ है, पृथ्वी टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। और फिर मेरे दोस्तों, सिर्फ हम उसके बारे में स्टडी न करें, मैं सेकंड पोर्शन जो सेकंड एपिसोड है उसमें मैं बताऊंगा किस प्रकार से हम स्टडी कर सकते हैं परमेश्वर का वचन, लेकिन अभी पहले एपिसोड में सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि क्यों हमें करना है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए। एक जो बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, परमेश्वर का वचन हम इसलिए भी स्टडी करें कि हम उसको ओबे करें, उस पर हम चलें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस पर चलेंगे तब परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, हमें विजडम देगा, हमें डायरेक्शन देगा, हमें डिसिप्लिन करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। भजन संहिता 111, अगर आपके पास बाइबल आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, भजन संहिता 111 और उसका 10वां पद, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। सुनिए मेरे दोस्तों, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहती है। इफिसियों उसका 4 अध्याय, इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 14-16 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेशों की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो वो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता के साथ एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है व प्रेम में उन्नति करते जाए। सो मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन न सिर्फ हमें स्टडी करना है, न सिर्फ हमें उस पर मनन करना है, लेकिन उस पर चलना भी है। एक बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, याकूब की पत्री, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता हूँ इस पद को देखने के द्वारा, और ये लिखा हुआ है याकूब की पत्री 1:22। सुनिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 22-27, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में तो देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध वचन पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, उस पर अपने हृदय को धोखा देता है और उसकी शक्ति, उसकी भक्ति जो है व्यर्थ है। सो हम देखते हैं मेरे मित्रों कि परमेश्वर के वचन को हम वो प्राथमिकता दे, उसका ओबे करें और उसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सो आज हमने देखा एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में, थोड़ा सा प्रकाशन के रूप में कि हम परमेश्वर के वचन को क्यों प्राथमिकता दें। बाइबल स्टडी, पर्सनल बाइबल स्टडी, हमें इसको बढ़ना है, इसमें बढ़ना है बाइबल स्टडी में, आत्मिक रीति से,
ये हमें बुद्धि देता है, हमें विजडम देता है, नॉलेज देता है, हमारे मसीह जीवन में ये रास्ता दिखाता है, और उसके साथ साथ ये बताता है कि परमेश्वर पवित्र है, हमें पवित्र बनना है, और पवित्र आत्मा को समर्पण करते हुए हम उसके वचन पर मेडिटेट करें, मनन करें, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो हमें मानसिकता मिलती है कि ये सत्य है, ये उसका वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया हुआ है, और उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र चित्रण को हम देखते हैं, उसके परमेश्वर के दिमाग के बारे में, उसके सोच विचार के बारे में हम देखते हैं, और उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन को हम पढ़ सकते हैं और हम माने। सबसे बड़ी बात है उस वचन पर हम अमल करें, माने, ओबीडियंस। एक जगह पे लिखा हुआ है, आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है, आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है। सो मेरे दोस्तों, ये मेरा पहला एपिसोड है, बेसिक आइडिया बाइबल स्टडी के बारे में, क्यों हमें करना है। अब इसका जो दूसरा भाग है उसमें मैं बताऊंगा किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम परमेश्वर के वचन को स्टडी कर सकते हैं। तो ज़रूर इसके साथ साथ दूसरा भाग भी आप सुने। धन्यवाद।